नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनीष टेमरे और आज हम चर्चा करेंगे चुनावी नतीजों पर। पूरे 7 चरणों के चुनाव के बाद जो है आज चुनावी नतीजों का जो है दिन उदित हुआ है और आज जो है चुनावी नतीजे आने वाले हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसका जो है आज इस प्रश्न का जो है, इतने बड़े प्रश्न का आज उत्तर मिलने वाला है। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूँ क्षितिजा और आप देख रहे हो बीसीएन न्यूज। आज हम जो है चुनाव के नतीजों पर जो है आपको पूरा ब्यौरा देने वाले हैं, क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बस चंद ही घंटे बाकी है, आप जो कुछ समय बाकी है कि मत जो है चुनाव की जो है 1.5 महीने से नागपुर में जो है नागपुरवासी जो है इस नतीजों की जो है राह देख रहे थे। आखिरकार आज वो दिन आ गया है, 4 जून आज नतीजे आने हैं और किसके सर पर जीत का ताज जो है जाता है ये आप कुछ ही घंटों में हमें पता चलने वाला है। कौन सांसद बनने वाला है, किसके सर ये ताज जाता है, ये कुछ ही घंटों में हमें पता चलने वाला है। हम सबको पता है कि 19 अप्रैल को जो है नागपुर में पहले चरण में चुनाव हुए थे और आज उसके नतीजे आना है। बिल्कुल क्षितिजा, जिस प्रकार से देखा गया है ये जो है 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे बड़े रणनीति के रूप में देखा गया है, क्योंकि विपक्ष द्वारा जो है संविधान का मुद्दा उठाया गया था। साथ ही साथ देखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने इतने दिनों से जो स्थगित मुद्दा था, राम मंदिर जैसा मुद्दा है, 377 जैसा मुद्दा है, 370 जैसा मुद्दा है, ऐसे काफी बड़े बड़े मुद्दों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है चुनाव लड़ा है। तो इस बार देखना यह काफी रोचक रहेगा कि मोदी की गारंटी काम आती है या कांग्रेस द्वारा दी गई 25 जो गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा कि ये चुनाव जो होते हैं लोकसभा के, ये केंद्र के चुनाव होते हैं, इसमें जो है केंद्र के मुद्दे होते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि नागपुर की जो सीट थी उसे सब चुनाव जब घोषित किए गए थे तब बहुत ही सेफ माना जा रहा था, क्योंकि नितिन गडकरी यहां से प्रत्याशी थे। कहा जाता है उन्हें पूरे देश में कोई भी विरोध नहीं करता है, वो सबके चहेते हैं, सबके लाडले हैं, विपक्ष में भी उनको विरोध नहीं है। लेकिन जब उनका नाम घोषित हुआ उसके बाद विपक्ष के पास कैंडिडेट नहीं था, ये सब रणनीति है, राजनीति हुई, ये सब राजनीति देखने को मिली और एक तरह से माना जा रहा था कि गडकरी की सीट जो है ये सेफ है और एक तरफा चुनाव की भी बातें कई लोग उस वक्त कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बार सोच समझकर पूरी रणनीति बनाकर अपना कैंडिडेट जो है चुनावी मैदान में उतारा और विकास ठाकरे जो यहाँ के ग्राउंड लेवल के नेता है, विधायक रह चुके हैं, उन्हें भली भांति नागपुर का जो है राजनीति पता है, कई सालों से वो राजनीति में है और लोगों की जो है यहाँ की समस्या वो जानते हैं, लोगों में उनका उठना बैठना है और लोगों से वो जुड़े हुए नेता है और ऐसे में नागपुर में आखिरकार टफ फाइट देखी गई है और आज हमें देखना है कि उसका नतीजा क्या आता है। सीधे तौर पर बोला जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी हाई प्रोफाइल सीट तो खड़ी की है, साथ ही साथ कांग्रेस भी पूरी कमर कसकर खड़ी है, क्योंकि देखा गया तो जैसे शुरुआती दौर में जिस प्रकार से पहले लिस्ट में गडकरी का नाम नहीं आया था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी आश्वस्त थी कि कहीं ना कहीं इस बार का जो है इस बार जो बड़ा है स्पर्धा प्रतियोगिता जो है कम होगी। लेकिन देखा गया दूसरे लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम जो है घोषित किया गया, उसके बाद की जो है विकास ठाकरे जैसा हाई प्रोफाइल चेहरा उत्तर नागपुर के जो विधायक है और जिस प्रकार से जो है उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके हिसाब से एक हाई प्रोफाइल सीट सुधाकर देशमुख को हराकर जो है वो विधायक बने, उसके बाद जो है एक हाई प्रोफाइल चेहरा जो है कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस के पास मुद्दा तो संविधान बचाने वाला ही था। साथ ही साथ इस बार का चुनाव काफी रोचक कर रहा और प्रचार के दौर भी देखा गया तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही है कांग्रेस, ग्राउंड लेवल पर देखा गया है तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति जो थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट, साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट जो है, साथ ही साथ महायुति के सभी जो है पदाधिकारी साथ ही साथ कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काफी अच्छी पकड़ उन्होंने पकड़ी थी। लेकिन शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पर उतनी अच्छी पकड़ जो है उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन बोल सकते हैं एकमेक की देखासिखी भी बोल सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफी कड़े तंजों की राजनीति कसी गई है। साथ ही साथ जो है संविधान का जो मुद्दा है काफी अग्रेसिव रूप से जो है कांग्रेस ने उठाया, साथ ही साथ इंडिया आघाड़ी ने भी उठाया है।
कि जो है संविधान बदलेगा, 400 पार यदि होता है तो संविधान बदलेगा, ऐसा जो है जनता के बीच में बोल सकते हैं एक एजेंडा चलाया उन्होंने और उसी तौर पर जो है प्रचार भी किया गया है। तो अभी चुनावी नतीजे मुझे 8 बजे से जो है मतगणना को शुरुआत होगी, 120 टेबल पर, नागपुर की बात करें तो 120 टेबल पर ये चुनावी मतगणना होने वाली है। तो देखा गया है तो नागपुर में हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, साथ ही साथ रामटेक की बात करें तो रामटेक में भी जो है कड़े चर्चाओं का दौर इस वक्त चला है, क्योंकि पहली बार देखा गया है रश्मि बर्वे का जिला परिषद सदस्यत्व रद्द हुआ। रामटेक की इस बार की रणनीति जो थी ये बहुत ही अलग देखने मिली, रश्मि बर्वे को टिकट मिला, उसके बाद उनकी वो जो टिकट रद्द हुआ, उनके पति यहाँ से लड़े, कांग्रेस के जो नेता थे राजू पारवे वो शिवसेना शिंदे गुट के साथ गए, और ये पूरी जो राजनीति हुई उस दौरान वहां के लोग जो थे, वोटर्स थे, वो भी कहीं ना कहीं उलझे हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के साथ जो काम कर चुके हैं अब उनके ही खिलाफ उनके प्रचार करना है, ये कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उलझन थी। आखिरी समय तक हमने देखा है वहां की राजनीति किस तरह से हुई थी। शिंदे जो है खुद मुख्यमंत्री वो आए थे जो पारवे के प्रचार के लिए, और देखा जाए तो कांग्रेस से कोई बड़ा नेता बर्वे के जो है प्रचार के लिए नहीं आया था, फिर भी वहां भी टफ फाइट हमें देखने मिली है। विश्लेषकों का, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वहां भी टफ फाइट हुई थी। रामटेक जो कि बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र भी माना जाता है, और रामटेक ऐसा है कि जिसने मतलब पहले प्रधानमंत्री दिए थे रामटेक से, ये भी एक खासियत है। तो वहां भी सभी की निगाहें लगी है कि क्या होता है, क्योंकि कभी राजू पारवे जो थे वो कांग्रेस में थे और आज जिनके साथ वो है उनके खिलाफ कभी उन्होंने प्रचार किया था, और आज उनके साथ मिलकर उनको अपना प्रचार करना था वो भी कांग्रेस के खिलाफ, एक नाट्यमय सियासत बोल सकते हैं। और दर्शकों आपके जानकारी के लिए बता दूं, पीवी नरसिंह राव जो है रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने थे 1984 और 1990, इन 10 जो है सालों में, 10 साल बोल सकते, 2 पंचवार्षिक यहाँ से जो सांसद रहे हैं, एक प्रधानमंत्री दिया है रामटेक लोकसभा ने 1957 में जिस प्रकार से स्थापना हुई, उसके बाद कांग्रेस ने इसका खाता खोला था और कांग्रेस 12 बार यहां से जीती है, लेकिन उसके बाद देखा गया है शिवसेना के एंट्री के बाद कृपाल तुमा ने 2 बार यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार आपने जिस प्रकार से बोला है नाट्यमय सियासत देखने को मिली है। बिल्कुल, और बोला जा सकता है कि जैसे कांग्रेस का गढ़ नागपुर भी कभी रह चुका था और रामटेक भी कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन बीते 10 सालों से यहाँ पर जो है शिवसेना अपना कैंडिडेट दे रही है और वहां से शिवसेना की जीत ये पक्की मानी जाती है, और वैसे ही नागपुर जो है ये बीजेपी का अब गढ़ माना जा रहा था जो कि पहले कांग्रेस का हुआ करता था। तो देखा गया है इन चर्चाओं में से एक ही निष्पन्न होता है कि कोई भी शाश्वत नहीं है, क्योंकि मतदाता ही है जो जनतंत्र का राजा है, जिसे चाहे वो जो है मतदान कर सकते हैं, जिसे चाहे वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आज के जो नतीजे आते हैं उस प्रकार से, जिस प्रकार से कांग्रेस ने बोला है क्या संविधान बदलेगा, ये इस पर तो चर्चा करना योग्य नहीं, ये तो सियासी रणनीति है, लेकिन जिस प्रकार से देखा गया है तो मोदी की गारंटी काम करती है या कांग्रेस की गारंटी काम करती है, ये तो देखना होगा। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि नागपुर में विकास वर्सेस विकास पर जो है चुनाव हुए है, क्योंकि जो विकास दिख रहा है उसको लोगों ने चुना है, या जो विकास नाम के है उन्हें चुना है, ये तो अभी कुछ ही घंटों में हमें पता चलने वाला है। तो आप पल पल की जानकारी देखने के लिए बने रहिए बीसीएन के साथ, हम हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, कितने मतों से कौन आगे है, कौन जीत रहा है, कौन पिछाड़ी पर है, ये सब बातें आपको हम बीसीएन पर बताएंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। स्पष्ट चित्र देखने के लिए, चुनावी नतीजे 2024 के स्पष्ट चित्र देखने के लिए देखते रहिए एनबीसीएन न्यूज़। धन्यवाद। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो रणनीति हमने देखी कि नागपुर में भी कई कंट्रोवर्सी इस प्रचार के बिल्कुल हुई है, कई विवाद जो निष्पन्न हुए हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा विवाद देखा जाए तो रामटेक लोकसभा में जिस प्रकार से नाट्यमय सियासत हुई है, नागपुर में भी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा आरोप लगाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी आरोप लगाया है, और इसी बीच 7वें चरण के मतदान के बीच बोल सकते हैं जितेंद्र आव्हाड का मुद्दा उपस्थित हुआ, उन्होंने मनुस्मृति जो है मनुस्मृति दहन के नाम पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो है
प्रतिमा को फाड़ा था, इस पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो कड़े तंज कसे, आंदोलन भी कई जगह पर हुए, कई जगह पर देखा गया है। देखते हैं इस क्षेत्र से आगे निकले हम तो सूरत में और मध्य प्रदेश में जो है कहीं ना कहीं देखा गया है कि एक, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि चंद्रपुर से भी मुनगंटीवार और प्रतिभा धनोरकर, इनकी भी बहुत टफ फाइट हुई है हमने देखा है। और वहां पर भी ऐसा पहले नहीं लगता था, क्योंकि मुनगंटीवार जो है यहाँ से मंत्री है, दो बार वो मंत्री है, बड़ा मंत्री है। बिल्कुल। और प्रतिभा धानोरकर जो कि विधायक है, उनका भी एक अपना पीआर है, उनका भी एक तगड़ा वहां पर जो है लोगों का उनका वर्ग है जो उन्हें चाहता है, और ऐसे में उनके साथ भी सिंपति वोट का भी यहाँ मतलब राजनीति हो सकती है, ऐसा भी कहना विश्लेषकों का था। अब आज वहां भी उसके भी नतीजे आने वाले हैं, अब वो देखना होगा कि वहां की क्या स्थिति बनती है। क्षितिजा देखे जा रहे हैं कि मतपेटियां बाहर निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक स्पष्ट चित्र होने वाला है। पहले राउंड के जो है मतगणना को शुरुआत होने जा रही है, तो देखना यह रोचक रहेगा कि किस प्रकार से जो है सियासत किस प्रकार से मोड़ लेती है, जिस प्रकार से एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में, जिस प्रकार से एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी फर्क होता है, एक अनुमान और जिस प्रकार से नतीजे आते हैं उसमें काफी फर्क होता है। फर्क तो उतना नहीं होता, लेकिन किंतु शाश्वती अनुमान और रियलिटी में काफी फर्क। बिल्कुल। और अब जो है ये मतपेटियां जो है बाहर निकाली जा रही है, और बस अब जो इंतजार है वो कुछ ही चंद ही घंटों का रह चुका है। 8 बजे जो है अभी चुनाव के जो है मतगणना जो है शुरू हो जाएगी, और बस रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं को और जो जनता की निगाहें लगी है उन सबको पता चलेगा कि किसके सर ये ताज जाने वाला है, या कौन आगे कौन पिछाड़ी पर है। पल पल की खबर को लेकर हम आप तक आते रहेंगे। और साथ ही हमने देखा कि विदर्भ, इस बार जो है विदर्भ की राजनीति हमें बहुत ही अलग देखने मिली। जैसे कि हमने नागपुर में हुआ था कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, वैसी स्थिति और भी जगह विदर्भ में देखने मिली। और अमरावती की अगर हम बात करें तो नवनीत राणा को लेकर भी बहुत वहां पर जो है कंट्रोवर्सी हुई। जो बलवन वानखड़े जो है महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी थे, फिर बच्चू कड़ू की नाराजगी देखी गई। बिल्कुल, उन्होंने प्रहार किया है। उन्होंने बिल्कुल अपने नाम के जैसा जो है प्रहार वहां पे देखने मिला है। उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा जो कि वो शिंदे गुट से आते थे, और वहां की भी रणनीति एक रोचक रही है। अब देखना होगा वहां भी आखिरकार क्या, मतलब जनता किसे चाहती है वो आज पता चलेगा नतीजे आने हैं तो। और यही बात अगर यवतमाल की जाए तो वहां पर बाहर से कैंडिडेट आने की ओर से बहुत सी नाराजगी देखी गई। मतलब विदर्भ की इस बार की राजनीति कुल मिलाकर बिल्कुल बिल्कुल। और अमरावती की बात आपने की, अमरावती में भी काफी जिस प्रकार से एक अलग ही सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि नवनीत राणा जो है, नवनीत राणा ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, दो बार उन्होंने राष्ट्रवादी का जो है समर्थन दिया था, तो ये देखा है सम्मिश्र प्रतिक्रियाएं वहां देखने को मिल रही है। और सूत्रों के हवाले ये भी पता चला है कि उन्होंने जल्लोश की पूरी तैयारी कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नतीजे अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उससे ये कहना कहीं ना कहीं सही नहीं होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन हर एक बात की अपडेट हम इनविजन द्वारा जो है दर्शकों को देते रहे। बिल्कुल। और उन्होंने जीत का दावा इस तरह से किया है कि आज उनकी जीत पक्की मानकर वो चल रहे है। ठीक है, ये भी कहीं मतलब ये नहीं है, बट नतीजे जो है मतदार होता है, वोटर्स होता है, इन पे होता है, और आज वो मतपेटिया जो है वो पिटारा जो है आज खुलने जा रहा है। और आप तक हम पल पल की अपडेट को लेकर आएंगे। और ये रही बात गढ़चिरौली भंडारा गोंदिया, यहाँ पर भी हमने अलग राजनीति देखी। देख रहे कि अशोक नेते हो या किसान जो है वो महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी थे, इस तरह वहां भी बहुत सारी रणनीतियां बनी। आखिरकार चुनाव है तो रणनीतियां तो बननी है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार विदर्भ में लोकसभा चुनाव में कुछ अलग ही चित्र हमें दिखाई दिया है। और यहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस ने भी टफ फाइट दी है। काफी जो है सियासत देखी गई है क्षितिजा,
प्रश्न चिन्ह यही उपस्थित होता है कि क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि देखा गया है भंडारा गोंदिया की भी आपने बात की, भंडारा गोंदिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से नरेंद्र मेंढे रहे हैं सांसद, और जिस प्रकार से यहाँ भी हाई प्रोफाइल सीट है, क्या हैट्रिक करेंगे नितिन गडकरी। साथ ही साथ रामटेक लोकसभा की भी बात, बार बार रामटेक लोकसभा का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि नागपुर जिले में से सर्वाधिक बड़ी रामटेक लोकसभा मानी जाती है ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत, क्योंकि वहां देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में विधायक कांग्रेस के है, महाविकास आघाड़ी के है, लेकिन वहां से सांसद की सीट जो है एक बीजेपी समर्थित आती है, भारतीय जनता पार्टी समर्थित आती है। और इस बार जो देखा गया है महाभारत की स्थिति है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल इधर भी वही है उधर भी वही है, जो मतलब इधर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस है इधर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस है, मात्र नेतृत्व चेंज हुआ है। तो ये देखना काफी यहाँ रोचक दिखाई पड़ रहा है, अलग ही स्थितियां इस वक्त प्रति बनी है। जैसे कि हमें अब जो है मतगणना की जो है सबकी जो है निगाहें लगी है मतगणना की ओर, और हम बताना चाहेंगे आपको कि पोस्टल जो वोट है उनकी गिनती जो है अब शुरू हो चुकी है, बस कुछ ही मिनटों में उसकी गिनती हो जाएगी और उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद जो है बाकी जो वोटिंग हुआ है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में जो है आखिरकार नतीजे आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपने जिसे वोट दिया था या वो चुन के आए हैं या जिसे जनता जनता ने किसे चाहा है या नागपुर से जनता किसे चाह रही है, ये भी अभी कुछ ही घंटों में हमें पता चलने वाला है। और आपको बता दें कि पोस्टल मतों की जो है गणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल मतों पर भी काफी विवाद देखने मिला था देखना। और कल ही जो मतलब देखा गया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा चुनाव आयोग को सिफारिश की गई थी कि पहले पोस्टल जो है पोस्टल की गिनती की जाए ताकि चित्र स्पष्ट हो, कहीं ना कहीं देखा गया है कि ईवीएम पे अविश्वास, ईवीएम मशीन पे अविश्वास जो है विपक्ष द्वारा निरंतर बना रहा है, अविश्वास वहां किया जा रहा है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते, इस पर चर्चा करना भी योग्य नहीं। मात्र जो है पोस्टल बैलेट की जो है मतगणना अभी स्टार्ट हो चुकी है पहले राउंड की, तो ये देखना और काफी रोचक रहेगा। चित्र जो है स्पष्ट इनविजन के माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचाते ही रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपने बोला है इंतहा हो गई इंतजार की, बिल्कुल पहले चरण के बाद जो है पहले चरण देखा गया, पहले चरण में ही नागपुर लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से डेढ़ महीने का जो है बड़ा अंतराल या जो है नागपुर की जनता ने अपना सांसद देखने के लिए जो है उनकी आंखें तरस गई होगी, और आज जो है क्योंकि हमने देखा खत्म होने वाला है, जहां पहले चरण में चुनाव हुए थे उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, और इस लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज वो दिन आ चुका है। बस अभी पोस्टल मतों की तो गणना शुरू हो चुकी है, अभी कुछ ही मिनट बाकी है, बिल्कुल कुछ मिनट बाकी है कि जो मतगणना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जो है स्थिति स्पष्ट होते हमें नजर आएगी और कुछ घंटों में जो है ये इंतजार खत्म हो जाएगा। मथुर विद्या जिस प्रकार से बोला गया है, धनुर्विद्या मथुर विद्या हम बोल सकते हैं, मतों के जो है बांध छोड़े गए हैं, एक मतों के बांध एक मिक पर छोड़े गए हैं, तंजों के बांध छोड़े गए हैं, तो देखना है मतलब किस प्रकार से इस बार जो है सांसद, प्रश्न यही उपस्थित होता है क्षितिजा बार बार कि हैट्रिक करेंगे ये या नहीं, क्योंकि जिस तरह से हैट्रिक की बात की गई है, 400 पार की बात की गई है, विकास कामों का ब्यौरा दिया गया है, और इन सब का नतीजा आखिरकार क्या आता है आज ये हमें पता चलेगा। बस पोस्टल मतों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, मतगणना भी चंद मिनटों में जो है शुरू होने जा रही है, और ये जो है मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद स्थिति स्पष्ट होती जाएगी, विदर्भ हो या महाराष्ट्र हो या देश की हो, और आखिरकार हमें पता चलेगा हैट्रिक होगी या नहीं। जो बातें की जा रही थी 400 पार की बातें हो रही थी, कई मुद्दों को रखा गया था लोगों के सामने, अब लोगों ने किसे सराहा है, लोगों ने किसे चाहा है, ये कुछ ही घंटों में पता चलने वाला है हमें। देखा गया है प्रतिद्वंदियों ने बड़े मुद्दे उठाए हैं, प्रचार भी काफी जोरों शोरों पर, और ये बिल्कुल हमने देखा मनीष, इस बार जो है संविधान का मुद्दा जो है पूरे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बताया गया था। तो इसी प्रकार से हम बातें करते रहेंगे, चर्चा काफी तेज चलेगी, और जो है आगे नतीजों का पल पल की खबर हम इनविजन के माध्यम से दर्शकों को देते रहेंगे। बिल्कुल, और पल पल की खबर जानने के लिए, हर एक आंकड़े जानने के लिए आप बने रहिए बीसीएन के साथ। तो फिलहाल वक्त हो चला है यही रुकने का, आप देखते रहिए बीसीएन न्यूज़।